हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में। अगेन मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी, ये इंडिया का पहला नहीं बल्कि वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल है। अब सीएनजी टर्मिनल होता क्या है, आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझो कि ये सीएनजी को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। बड़े बड़े टैंक्स होंगे जिनमें कि सीएनजी को स्टोर करा जाएगा, जो इम्पोर्ट करी जाएगी बाकी कंट्रीज से। 29 सितंबर को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, यानी कि इसकी नींव रखी गई है। और इसका जो खर्चा बताया जा रहा है वो आएगा करीब करीब 4000 करोड़ रुपए का। देखो, भावनगर जो पोर्ट है वो ऑलरेडी है, बना हुआ है, 1963 में बना था, लेकिन उसी में ही सीएनजी टर्मिनल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करा जा रहा है। सीएनजी आपको पता ही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसके लिए पहला टर्मिनल है। लेकिन अगर मैं एलएनजी की बात करूं, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो उसके इंडिया में 6 टर्मिनल्स हैं, आपको इस मैप में दिख जाएंगे, जो स्क्वायर शेप में लोकेट करे गए हैं। वो है जो ऑलरेडी वर्किंग में है, मतलब जो ऑलरेडी बने हुए हैं, और जो ट्रायंगल शेप लोकेट कर रहा है वो है जो प्लान कर रही है इंडियन गवर्नमेंट कि यहाँ पे भी हम एलएनजी टर्मिनल्स बनाएंगे। अब आपको नीचे दिख रहा होगा ऑपरेटिंग पेट्रोनेट टर्मिनल्स। पेट्रोनेट क्या है? पेट्रोनेट एक इंडियन कंपनी है, उसके अंडर जो टर्मिनल्स हैं उनको बोला गया पेट्रोनेट, और जो इस कंपनी के अंडर नहीं आते उनको बोला गया नॉन पेट्रोनेट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब इस सीएनजी टर्मिनल की बातें कहाँ से शुरू हुई थी। देखो, गुजरात में एक सबमिट होता है जिसका नाम है वाइब्रेंट। ये 29 का जो हुआ था उसमें काफी सारी कंपनीज आई थी, जैसे फोरसाइट ग्रुप जो लंदन बेस्ड है, और पद्मानभ मफतलाल ग्रुप जो कि मुंबई बेस्ड है, और तीसरा बोस्कैलिस जो रोटरडेम बेस्ड है। ये सारे ग्रुप इस सबमिट में गए थे, और यहीं पर इनका एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया था गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन करा है, जहां सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करी है जो कि गुजरात में बनने जा रही है पहली, वो फैक्ट्री पहले माना गया था कि महाराष्ट्र में बनेगी, लेकिन फिर गुजरात के पास चली गई। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कुछ ऐसे ही सबमिट्स, जैसे कि वाइब्रेंट मैंने अभी बताया, ऐसे सबमिट्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं। इनमें बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, और उनको जो गवर्नमेंट होती है वो बताती है कि हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे अपनी स्टेट में, और आप अपने जो प्लांट है वो यहाँ पे सेटअप करो। तो इसी वजह से जो सेमीकंडक्टर वाला प्रोजेक्ट था वो महाराष्ट्र से हटके गुजरात के पास चला गया था। जो कंपनीज थी उनको गुजरात का ऑफर ज़्यादा अच्छा लगा। सो इसी तरीके से इन तीनों कंपनीज को ये डील अच्छी लगी, और उन्होंने ये एमओयू साइन कर लिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीएनजी टर्मिनल। दिसंबर 2019 में एक प्रपोजल भी पास कर दिया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ साइड ऑफ भावनगर पोर्ट, यानी कि जो सीएनजी टर्मिनल होगा वो नॉर्थ साइड में बनेगा इस पोर्ट की। दूसरा, फिर 2020 में सितंबर में लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हो गया था और इश्यू कर दिया गया था। देखो, ये बात नोटिस करने की है, ये जो कंपनीज हैं ये इन्वेस्ट कर रही है 4000 करोड़, ना कि गवर्नमेंट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो बूट ऑपरेशन के अंडर होगा। बूट क्या होता है? बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर पॉलिसी। इसको समझो बूट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। जैसे अब ये सीएनजी टर्मिनल बनके तैयार होगा, ये कंपनी इसमें खर्च करेंगी, पहले ये इसको बिल्ड करेंगी, ठीक है, बिल्ड कर दिया, उसके बाद इन्हीं कंपनी के पास इस टर्मिनल की जो ओनरशिप है वो रहेगी, फिर यही कंपनी इसको ऑपरेट करेगी, और जितना पैसा आएगा वो ये कंपनीज ही रखेंगी, जब तक कि जितना पैसा इन्होंने खर्च करा है वो इनके पास वापस नहीं आ जाता। जब इनका पैसा पूरा हो जाएगा, ये जो इसकी ओनरशिप है ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये पॉलिसी होती है बूट, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब इसमें गवर्नमेंट को एक भी पैसा नहीं देना होता। कंपनी खुद पैसे लगाकर कोई चीज़ तैयार करती है, फिर उसको तब तक ऑपरेट करती है अपने अंडर ही, जब तक कि वो पैसा पूरा नहीं कमा लेती जितना उन्होंने लगाया है, और जब ये हो जाता है तब वो उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। देखो, भावनगर पोर्ट में काफ़ी टाइम से गुजरात गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो भी इसकी डेवलपमेंट चाहती हैं। काफ़ी पुराना भी है, उस वजह से भी इम्पोर्टेंस रखता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी होता है यहाँ से। जो कंस्ट्रक्शन है सीएनजी टर्मिनल की वो शुरू हो जाएगी 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में, और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा। जो सीएनजी टर्मिनल की कैपेसिटी होगी वो होगी 0.3 मिलियन टन पर एनम। ओके, देखो, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग भावनगर पोर्ट पर ही ये सीएनजी टर्मिनल बन रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एडिशनल फैसिलिटीज ऐड करी जा रही है,
जैसे रोल ऑन एंड रोल ऑफ, जिसको कि रोरो बोलते हैं। रोरो क्या होता है? ये कार्गो शिप्स होते हैं जो कि व्हील्ड कार्गो के लिए यूज करे जाते हैं, जैसे कार्स के लिए, ट्रक्स के लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए, इन सब के लिए वो इन पे लोड होते हैं, अनलोड होते हैं, वैसे काम करते हैं। फिर ट्रॉलीज होंगी, कार्स होंगी, लिक्विड कार्गो टर्मिनल भी होगा, ये सब फैसिलिटीज इसमें दी जाएंगी। ओके, सो दिस वॉज अ वीडियो फॉर गाइज, आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।